हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आप बनाने जा रहे हो गाइस बरगद। आप सभी को बरगद आई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरगद बनाने के लिए गाइस मैंने लिया है आटा और ये है गुड़। और गुड़ को गाइस पानी में भिगो देंगे, गुनगुने पानी में। तो गाइस गर्म पानी में गुड़ को भिगो दिया है। इस तरह से गुड़ को भीग चुका है ये। गुड़ को भिगोने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गुड़ जो थोड़ा सा रह जाता है, इसको हाथ से मैश कर लेंगे इस तरीके से। तो ये परफेक्ट गुड़ भीग चुका है। अब ये जो आटा लिया है, तो आटे में क्या करेंगे गाइस, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें इस तरीके से ये गुड़ वाला, और इसमें मैंने चीनी भी डाली है, और इसमें इस तरीके से डाल देंगे। इसमें डालेंगे एक चुटकी सौंफ, ऑयल आधा चमचा, को मिक्स करेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पूरी का डो तैयार करते हैं, उसी तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसी तरीके इसी से ही गूंथना है। और अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं। इस तरीके से सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं परफेक्ट डो तैयार हो गया है और इतना सॉफ्ट बनाना है। और इस तरीके से बर्गर बनाने के लिए गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से आटे की लोई ले लेंगे और इसकी गोल गोल लोई बना लेंगे। ये छोटी लेनी है, जिस हिसाब से आप ले सकते हैं, तो छोटे बनाने हैं तो छोटे बनाइएगा। तो इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे। तो ये रहा गाइस बर्गर। इस तरीके से आप बर्गर बना सकते हैं। और ये सारे आटे के डो का जो बनाया है, इसके गोल गोल बना लेंगे। मिलते हैं गाइस बर्गर के डो बन गोल गोल बरगद बनाने के बाद। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं गोल गोल मैंने बरगद बना के तैयार कर लिए हैं और ये पूजा में चढ़ते हैं। और इस तरीके से आप बना सकते हैं बरगद। तो चलते हैं गैस की तरफ। सो गाइस बरगद बना के तैयार कर लिए हैं इस तरीके से गोल गोल। अब कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और उसमें ऑयल डाला है, इस तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ऐसे गोलियाँ जो बनाई हैं, और इस तरीके से डाल देंगे। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे, फिर बाद में लो फ्लेम पर कर देंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इस तरीके जहाँ अवेलेबल जगह हो इस तरीके से डाल देंगे। अभी गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है। इस तरीके से इसको पलट देंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पर मैंने बरगद को बनाया है। और अगर हाई फ्लेम पर करेंगे, पहले तो हाई फ्लेम पर करेंगे फिर लो फ्लेम पर करेंगे, तो अंदर जो कच्चा आटा होता है वो अच्छे से पक जाता है, तो खाने में कच्चा नहीं लगेगा। इस तरीके से गोल गोल बरगद बनकर तैयार हो गए हैं। इसको निकाल लेते हैं एक एक करके, जो जहाँ पर जैसे हो ये जैसे है, इसको पलट पलट कर इस तरीके से बनाइएगा बरगद। और पूजा में गाइस बनाए जाते हैं ये बरगदाई वाली भी जो पूजा होती है, और जो बरसाते में भी बहुत से लोग बनाते हैं, उनके घरों में चलता है, वो बनाते हैं गाइस पूजा में। इस तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से फटाफट। तो गाइस ये बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको एक एक करके निकाल लेंगे। एक लेंगे थाली, और थाली में इस तरीके से निकालेंगे हैं। और ये रहे बरगद बन के तैयार हो गए। अब गैस को ऑफ कर देंगे। सारे बरगद बन के तैयार हो गए हैं। ये रहे बरगद। तो गाइस पूजा में बनाने वाले बरगद बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप गोल गोल बनाइएगा और पूजा करिएगा। आप सभी को बरगदाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं दोबारा से कह रही हूँ। और आप तरीके से आप बना सकते हैं। और इसमें पूजा की जो पूड़ी लगती है, तो इसमें गाइस 12 पूड़ी लगती हैं। तो गाइस मैंने इस तरीके से 12 पूड़ी बनाई हैं और 4 गौर की पूड़ी बनाई है। इस तरीके से गौर वाली भी पूड़ी बनती है, गौर के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटी छोटी बनाई है। तो गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा पूजा की पूड़ी और बरगद। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके से आप बरगद बनाइएगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और
कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स के वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाकर मेरे चैनल को शेयर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गाइस जय श्री कृष्णा, राधे राधे।